ओके वेलकम बैक टू अनदर मैंने जहाँ आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल क्रिप्टो इनकम पर ओशियन प्रोटोकॉल। भाई हमारी इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी खासी रही और मैंने इसके बारे में पहले भी अपने चैनल के ऊपर आप सबको रिकमेंड किया था। वेब थ्री का एक बेताज बादशाह प्रोजेक्ट आप कह सकते हो। वेब थ्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज केस है और डाटा के ऊपर इसका यहाँ पर एसेट्स के ऊपर इसका आई थिंक पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर करता है। दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या अभी भी हमें अपॉर्चुनिटी है इसको बाय करने का और क्या प्राइस प्रिडिक्शन होने वाला है नेक्स्ट बुल रैली के अंदर। मे भी दोस्तों यहाँ पर जो है ये आपका किस्मत को चेंज कर सकता है। वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, पहली बार चैनल पे आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को करके टेलीग्राम ट्विटर हैंडल मस्ट जरूरी है फॉलो करना, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते भैया ओशियन प्रोटोकॉल की, नेक्स्ट जनरेशन टूल टू अनलॉक डाटा एट अ लार्ज स्केल। जी हाँ दोस्तों इसका यही तो काम है और इसी वजह से वेब थ्री के अंदर इसका बहुत बड़ा यहाँ पर बोलवाला रहने वाला है ना। यहाँ पर जो है दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन टूल है जो कि डाटा को अनलॉक करता है और कहीं ना कहीं दोस्तों वेब थ्री के अंदर इसका यूज केस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और इस वजह से और भी लोग जो है इसके अंदर टूट पड़े हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। बिकॉज ऑफ हमने जब इसको बाय किया था और मैंने जब रिकमेंड किया था उसके बाद काफ़ी तगड़ा डंप देखने को मिला। मैं अगर चार्ट के ऊपर जाऊँ ना तो मेरी इन्वेस्टमेंट 11:30 के ऊपर है, 0.1130। जी हाँ दोस्तों मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है जो कि इस जोन के अंदर यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट किया है 30 के अराउंड। जी हाँ दोस्तों जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बड़ा डंप देखने को मिला था और ये एक बिग अपॉर्चुनिटी था और हमने इसके अंदर इसको ग्रैब किया है और अभी काफ़ी अच्छा खासा हम प्रॉफिट के अंदर है, काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट है, 3 गुना तो ऐसे ही हो चुका है, उससे भी ज़्यादा है ना। बहुत जल्दी यहाँ पर इन्होंने भाई अपना रंग दिखा दिया है क्योंकि भाई बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आई। वेब थ्री का है, शुरू शुरू में नहीं जाना लोगों ने, जैसे ही एआई का ट्रेंड चला तब भी इसका यूज केस है, वेब थ्री का ट्रेंड चला तब भी इसका यूज केस है। तो इसको देखते हुए दोस्तों इसके अंदर काफ़ी लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया और जिसकी वजह से ये जो इम्पैक्ट आपको यहाँ से यहाँ देख रहा है ना, ये इसी वजह से और ज़्यादा टाइम तक जो है इसके अंदर डंप भी नहीं रहता। ये देखो भाई ये साइडवे डायरेक्शन में काफ़ी टाइम से चल रहा है, डंप आता है फिर पप आता है बस इस जोन के अंदर, यानी कि अगर दोस्तों हम बात करें 3536 के अराउंड और भैया 2827 के अराउंड, बस इस जोन के अराउंड जो है ना भैया ये ट्रेड करता हुआ रहा है दोस्तों। और भाई आप खुद ही सोच सकते हो कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट अभी जो है बाइकनोमी के रेट में मिल रहा है और कभी 11, 12, 13 के रेंज में मिलता था ये 0 पॉइंट, हमने गवा दिया। जिसने बाय कर लिया वो तो अभी काफ़ी खुश होंगे, मैंने भी बाय किया था मैं भी खुश हूँ और जो मेरे भाई को अभी भी लगता है कि महंगा है उसके लिए मैं आई थिंक प्राइस प्रेडिक्शन बताने वाला हूँ नेक्स्ट बुल रैली तक। अभी अगर हम जाते हैं सीएमसी के ऊपर तो भैया आप देख सकते हो यहाँ पर जो है 134वां यहाँ पर रैंक है, 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने वॉचिस्ट के अंदर ऐड कर रखा है। भाई रैंकिंग जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा घटने वाली है, टॉप 50 के अंदर का ये प्रोजेक्ट आने वाले बुल रैली के अंदर ये आने वाला है और आप उसके अकॉर्डिंग अपना रेट खुद आप बना सकते हो। ऑल टाइम हाई अगर मैं दिखाऊँ तो आप खुद सोच सकते हो भाई ऑल टाइम हाई कितना ज़्यादा है, 1.9 यानी ऑलमोस्ट $2 इसका ऑल टाइम हाई है, वहां से 81% ड्रॉप है। सभी बड़े छोटे एक्सचेंजेस के ऊपर ये आपको अवेलेबल मिल जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ पर दोस्तों अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। काफ़ी कम सप्लाई है, 1.4 बिलियन टोटल सप्लाई, जहाँ से सिर्फ और सिर्फ टोटल सप्लाई 613 मिलियन ही बचा है, यानी कि सप्लाई भी देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है, ऑलमोस्ट सबका सब सर्कुलेशन के अंदर आ चुका है। आने वाले बुल रैली के अंदर काफ़ी तगड़ा हंगामा कर सकता है, काफ़ी लोग जो है $5 का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, काफ़ी $10 का, इवन कई लोगों का कहना है कि ओशियन प्रोटोकॉल अगर वेब थ्री का और एआई का ट्रेंड अगर चला ना तो भैया ये 56 के प्रॉफिट देगा। और अभी जो पोलका डॉट जिस रेट पे आप देख रहे हो ना, जो उसका ऑल टाइम हाई था लगभग $40-50, उस रेंज के अंदर ये भी जाता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो आने वाले समय के अंदर ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ से अगर $10 के अराउंड भी जाता है तो हम सबको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता है। या दोस्तों अगर यहाँ से सिर्फ और सिर्फ $10 भी जाता है तब भी हम काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे, अगर ये $40-50 यानी कि 10 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट, और हो सकता है भाई उससे भी ज़्यादा ही जा सकता है, इसके अंदर इतना क्षमता है। अभी देख सकते हो 11-12 से तुरंत 35 तक आना अपने आप में शो हो रहा है, कितना लंबी इसका ये घोड़ा और ज़्यादा यहाँ पर पंप हो सकता है इसके अंदर।
तो अभी भी अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं है, लेकिन छोटा सा एंट्री बनाइएगा, बिकॉज ऑफ अगर यहाँ से डंप होता है तो आप डीसी करोगे और अच्छा खासा आपका प्राइस रेंज बन सकता है, 8% से अभी पंप है, थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। लेकिन देखो यार वेब थ्री का बहुत बड़ा नाम है ये, और ये कुछ नहीं है, अभी भी समझ लो काफ़ी ज़्यादा नीचे, 80% ऑल टाइम हाई से नीचे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा नीचे है, अभी ये बहुत ऊपर तक जाने वाला है, यानी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस कॉइन के अंदर बची हुई है। जी हाँ दोस्तों, तो मेक श्योर जरूर थोड़ा थोड़ा करके ग्रैब कीजिएगा, कोई डाउट या कोई क्वेश्चन होना तो बेझिझक हमसे कमेंट के अंदर पूछ लीजिएगा। बाकी ऐसे वीडियो के लिए हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल क्लिक करके टेलीग्राम ट्विटर मस्ट फॉलो करना, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब नेक्स्ट में आज कितना है, गुड बाय।